नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रुलानी एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इन वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के शिलालेखों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शिलालेख होते क्या हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शिलालेख होते क्या हैं। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, अपना जो इतिहास है या अपने जो विजय के उपलक्ष्य में कोई भी जो समारोह है उसका जो वर्णन है या फिर अपने जो राजकुल का वर्णन है, वो क्या करते थे, पत्थरों पर खुदवा देते थे। यानी पत्थर पर जो लिखा हुआ लेख था वो क्या था, शिलालेख था। तो शिलालेख में स्टार्ट करते हैं, हम चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ में कुल 6 शिलालेख मिले हैं। जो शिलालेख है जहाँ से मिलते हैं उसी गांव के नाम पर उस जो लेख मिलता है उसका नाम रख देते हैं। तो सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर जो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर ये सभी आते हैं। इन्हीं से सबसे ज़्यादा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और मेवाड़ की इनकी बात करें तो मेवाड़ में सबसे जो लंबा राजवंश चला था, ये मेवाड़ का जो इतिहास है वो 566 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का रहा है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो राजपूत हैं या फिर अन्य जो राजा महाराजा हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनका इतिहास है वो मेवाड़ का ही मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की आप सबसे पहले ट्रिक जान लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। ये इसकी ट्रिक है, जैन कीर्ति का मान रखने के लिए चित्तौड़ की नगरी में घुस गए। जो जैन लोग थे वो कीर्ति का मान रखने के लिए कहाँ घुस गए, चित्तौड़ की नगरी में घुस गए। ये है इसकी ट्रिक। इसको एक या दो बार लिखोगे तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, जैन कीर्ति का मान रख क्या हुआ, जो जैन लोग हैं वो कीर्ति का मान रखने के लिए कहाँ घुस गए, चित्तौड़ की नगरी में घुस गए। जैन से जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति से कीर्ति स्तंभ और मान से मानमोरी शिलालेख और चित्तौड़ से चित्तौड़ शिलालेख, नगरी से नगरी शिलालेख और घुस से घोसुंडी शिलालेख। यानी चित्तौड़ से 6 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनका विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख के बारे में। घोसुंडी जो शिलालेख वो प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। घोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जो DR भंडारकर थे उन्होंने इस घोसुंडी शिलालेख को क्या था, पढ़ा था। और इसका जो काल है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यानी ये काफ़ी पुराना शिलालेख है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। और जो इसमें वर्णन मिलता है वो गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध योग का वर्णन मिलता है। यानी जो घोसुंडी शिलालेख है उसमें वर्णन किस चीज़ का मिलता है, जो गजवंश चला था उसका एक जो राजा था सर्वतात नाम का राजा था, उसने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका वर्णन इस घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। दूसरी हम शिलालेख की बात करते हैं नगरी शिलालेख की। जो नगरी का शिलालेख है वो 424 ईस्वी का है। इसका काल क्या है, 424 ईस्वी। और इसे भी किसने, भंडारकर ने पढ़ा था। ये नागरी लिपि में लिखा हुआ है, नागरी लिपि है, संस्कृत भाषा की एक लिपि है, उसमें लिखा हुआ है। इस शिलालेख में वर्णन किस चीज़ का मिलता है, विष्णु की पूजा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट जो शिलालेख है उसकी बात करते हैं हम मानमोरी शिलालेख की। मानमोरी शिलालेख कहाँ है, चित्तौड़ के पास मिला है, मानसरोवर झील में मिला है, चित्तौड़ के पास। इससे शिलालेख में क्या है, 4 राजाओं का वर्णन मिला है। जो 4 राजा हैं वो महेश्वर, भीम, भोज, मान, ये क्या है, 4 राजाओं का इस शिलालेख में वर्णन मिला है। इस शिलालेख के बारे में कहा गया है कि जो कर्नल जेम्स टोड था वो इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक गया था। यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया गया था अपने जो इंग्लैंड जा रहा था उस समय। नेक्स्ट हम शिलालेख की बात करते हैं चित्तौड़ का शिलालेख। जो चित्तौड़ का शिलालेख है उसका जो काल है 1278 ईस्वी के आसपास का काल है। उस समय शासक था समर सिंह, और समर सिंह कौन था, रावल रतन सिंह का पिता था। जो रावल रतन सिंह था जिसका विवाह हुआ था रानी पद्मावती के साथ, उसके पिता था समर सिंह। और समर सिंह के काल का ही ये क्या है, चित्तौड़ का शिलालेख है। और इस जो शिलालेख में है जो मुख्य बात है वो है गुहिलों की धार्मिकता का पता चलता है। यानी इसमें जो गुहिल हैं वो किस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे उसके बारे में इसका पता चलता है।
ये गुहिल वंश का था, रावल रतन सिंह और इसके जो पिताजी थे समर सिंह। और इन्होंने क्या किया, ये खुद शिव थे यानी शिव के भक्त थे। शिव होते हुए भी इन्होंने क्या किया, जैन जो मंदिर थे उनका अनुदान किया यानी उनकी जो ज़्यादा निर्माण करवाया उनका, या उनको पैसे दिए या उनको आर्थिक मदद दी, क्या होते हैं सेव होते हुए भी। उसके बाद बात करते हैं हम जैन कीर्ति स्तंभ की। ये जो जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित है और इसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 13वीं शताब्दी के लगभग इसका निर्माण हुआ बताते हैं। इसका जो निर्माण कराने का श्रेय जाता है वो जैन जीजा शाह को जाता है। इसको जीसा भी बोलते थे और जीजा शाह भी बोलते थे। इसके द्वारा जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया और ये निर्माण करवाया था इन्होंने जो प्रथम जैन तीर्थकार था आदिनाथ, या आदिनाथ को ऋषभदेव भी बोलते हैं, को समर्पित किया था। यानी इनकी स्मृति में ही इन्होंने क्या किया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि क्या एक 7 मंजिला इमारत है। कुछ लोग कुछ जो विकिपीडिया है या को नेट पर आप सर्च करोगे तो जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही मान रखा है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है जिसको RPSC मानती है, गोपीनाथ शर्मा की किताब है, उसमें जो जैन कीर्ति स्तंभ है और जो दूसरा कीर्ति स्तंभ है वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और 1437 में राणा कुंभा ने जब महमूद खिलजी के साथ सारंगपुर युद्ध किया था, तो उस युद्ध में जब ये विजय हुआ तो उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इस जो कीर्ति स्तंभ है उसमें बप्पा रावल से कुंभा तक के जितने भी शासक हुए उनके जो युद्ध हुए उन युद्धों की विजय के उपलक्ष्य में या उपाधियों का वर्णन इससे कीर्ति स्तंभ में दिया गया है। और इसकी अगर हम रचयिता की बात करें तो जैन जो सॉरी कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसका जो रचयिता था वो अत्रि व महेश नामक के व्यक्ति थे। और इसका जो वास्तुकार था यानी जिन्होंने इसको खोद कर बनाया लिखा था पत्थरों पे, वो थे जेता और उसके पुत्र, उसके 3 पुत्र थे नापा, पुंजा और पोमा। इन्होंने क्या किया था, इसको पत्थर पर खोद कर लिखा था और इसके रचयिता थे अत्रि व महेश। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशस्ति होती क्या है, जो प्रशस्ति वो क्या है। प्रशस्ति ये होती है किसी की तारीफ में जो लेख लिखा जाता है, पत्थर पे जो किसी की तारीफ में लेख लिखा जाता है वो क्या होती है, प्रशस्ति होती है। और जो हम बात करते हैं राणा हम्मीर की, ये जो है राणा कुंभा से लेकर जो बप्पा रावल से लेकर जो कुंभा तक के शासक थे उनकी उपाधियों का जिसमें वर्णन है उसी में से एक थे राणा हम्मीर, जिसे मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। और इन्हें एक नाम और भी लिया जाता है विषम घाटी पंचारण, यानी ये मुसीबतों में शेर के समान डटे रहने वाला शासक। नेक्स्ट हम ये तो हो गए चित्तौड़ के छः स्तंभ यानी शिलालेख के बारे में। एक छोटा सा शिलालेख और लेके चलते हैं आज हम, बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का जो शिलालेख है वो 1170 ईस्वी के लगभग का बताते हैं। इसके रचयिता हैं गुणभद्र, जो इसके रचयिता कौन है, गुणभद्र। ये और ये रचयिता तो यानी इसका जो रचना की थी और जो पत्थरों पर खोद कर लिखा था वो किसने लिखा था, गोविंद द्वारा लिखा गया था। और ये जो है कहाँ पर, ये भीलवाड़ा में जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके पास है, ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इस शिलालेख में मुख्य बात यह है कि इस शिलालेख के अंदर अजमेर के चौहानों का वर्णन किया गया है। और जो पंडित दशरथ शर्मा इतिहासकार हैं, यानी इस शिलालेख में इन्होंने जो पंडित थे दशरथ शर्मा इतिहासकार, उन्होंने क्या लिखा है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भूते, इन्होंने लिखा है कि जो अजमेर के चौहान थे वो वंश गोत्र के ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान ने क्या किया, 551 ईस्वी में सांबर के चौहानों की नींव स्थापित की थी। यानी जो वासुदेव चौहान था उसने क्या किया था, 1551 ईस्वी में सांबर के चौहानों की नींव स्थापित की थी। और इसी ने क्या किया, सांबर झील का निर्माण करवाया था। और यही क्या थे, अजमेर के चौहान वंश के जो शासक थे वो थे। और इन्हीं का वर्णन कहाँ है, बिजोलिया शिलालेख में। तो ये कंफ्यूज करने वाली बात है कि बिजोलिया शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है, तो किसका वर्णन मिलता है, अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख में कुछ जो मुख्य बातें मिली हैं वो है इनके प्राचीन नाम मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
जो नाडोल था उसका क्या नाम मिला था, वहाँ पर नड्डुल मिला है। दिल्ली का वहाँ पर डिलिका लिखा हुआ नाम था, मांडलगढ़ का मंडलकर, जालौर का जबालीपुर, नागदा का नागहद, सांबर का साकंबरी, बिजोलिया का विद्यावली, भीनमाल का श्रीमान। ये जो पुराने नाम हैं, जो ये तो शहरों के नए नाम हैं, और ये वाले क्या हैं, पुराने नाम। ये पुराने नाम कहाँ मिले हैं, बिजोलिया शिलालेख में मिले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।